अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्मार्ट टीवी। मैं हूँ आपके साथ अदीना चौधरी। बढ़ते हैं आज की अहम खबर की तरफ। थाना सिटी गोजरामपुर बुजुर्ग इलेक्ट्रिशियन को दिन दहाड़े दुकान पर कत्ल करके फरार होने वाला मुलजिम गिरफ्तार। आलाई कत्ल, पिस्टल, 30 बोल बरामद। टोबरटेक सिंह मोरखा, 16 अक्टूबर 2023 थाना सिटी गोजरा पुलिस को इतला मौसूल हुई कि कायदे आजम रोड नजद मलकावाला चौक इलाका थाना सिटी गोजरा में बुजुर्ग इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर कत्ल हो गया है। इस इतला पर DSP गोजरा इकबाल अहमद, SHO थाना सिटी गोजरा मान मुलाजमान, पुलिस फौरी नफरी तौर पर मौके पर पहुंचे। हालात व वाकया से मालूम हुआ कि मोहम्मद यासीन वल्द, मोहम्मद रमजान कौम, शेख सपना, न्यू प्लाट गोजरा क्रॉसलान को जनामी मुलजिम नामालूम वजूहत की बिना पर फायर मारकर निकल करके फरार हो गया है। DPO टोबा सैयद करार हुसैन ने वकुआ की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर अंदराज मुकदमा और मुलजिम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, जिस पर मुकदमा नंबर 947/2023 बजरूम 302 पेपे मोरखा 16 अक्टूबर 2023 थाना इलेक्ट्रिशियन मोहम्मद यासीन वल्द, मोहम्मद रमजान को कत्ल करने का इंकशाफ किया कि चंद यौम कबल मेरी और मकतूल की एनर्जी सेवर ठीक करवाने के मामले पर तल कलामी हुई थी, जिसका मुझे रंज था। उसी रंजिश की बिना पर मैंने मौके पाकर मकतूल यासीन को दुकान पर बैठे पिस्टल 30 बोर से फायर मारकर कत्ल कर दिया और फरार हो गया। पुलिस टीम ने मुलजिम अरसलान वल्द सुल्तान से आलाई पिस्टल 30 बोर भी बरामद कर लिया है। DPO टोबा सैयद करार हुसैन ने कातिल को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को शाबाश दी है। उसके साथ साथ नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। सिलसिला जारी रहेगा, जुड़े रहिए समाई के साथ। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।